काशीपुर में रामलीला मैदान में तहसील दिवस आयोजित किया गया, जिसमें डीएम रंजना राजगुरु ने जन समस्याएं सुनी और मौके पर समस्याओं का निस्तारण भी किया। साथ ही शिकायतों को लेकर संबंधित अधिकारियों को जांच के आदेश दिए हैं। डीएम ने बताया है कि मिली शिकायतों के साथ ही निस्तारण किया गया है। तहसील दिवस में पौड़ी के लाल ढांग से विस्थापित परिवारों की महिलाओं ने भी डीएम के सामने मालिकाना हक देने की मांग रखी, जिस पर डीएम ने कहा कि यह शासन स्तर का मामला है, निस्तारण करने की कोशिश की जाएगी। अभी तक 80 से अधिक शिकायतें आ गई हैं, जिसका निस्तारण हम लोग लगातार कर रहे हैं और अभी और भी समस्याएं लगातार यहाँ पे लोगों के द्वारा दर्ज कराई जा रही है और इसमें हमारे सभी विभाग के अधिकारी मौजूद हैं और आधार कार्ड का और समाज कल्याण इत्यादि का यहाँ पे हमने स्टॉल भी लगा रखे हैं ताकि लोगों को उसका भी लाभ मिल सके। और अगर हम बात करें तो उसमें मैक्सिमम जो शिकायतें आ रही हैं वो अभी तक जो हम लोगों ने देखा है कि वो पूर्ति विभाग से, विद्युत से, पुलिस, राजस्व इत्यादि विभागों से शिकायतें यहाँ पे दर्ज हो रही हैं। और 2022 विधानसभा चुनाव को लेकर सरगर्मियां तेज होने लगी हैं। बीजेपी के साथ ही कांग्रेस ने भी एक से ज्यादा दावेदार सामने आ रहे हैं, जिसमें दोनों दलों में आने वाले दिनों में अंदरूनी घमासान मचने की संभावना है। कुछ यही हाल अल्मोड़ा विधानसभा का है, जिसको लेकर सदन के उपनेता करण महरा ने कहा है कि कांग्रेस एक लोकतांत्रिक पार्टी है, जिसके कारण यहां सबको अपनी बात रखने का अधिकार है, लेकिन टिकट फाइनल होने के बाद सभी लोग एकजुट होकर उसको जिताने के लिए मेहनत करेंगे, कहीं भी कोई गुटबाजी सामने नहीं आएगी। आगामी चुनावों को कांग्रेस एकजुट होकर लड़ेगी और 2022 में जीत हासिल करेगी। और सबको अधिकार है टिकट मांगने का, लेकिन आप निश्चित रहिए जब कांग्रेस टिकट का वितरण करेगी तो उसके बाद सारे साथी मिलके जिसको भी टिकट मिलेगा उसको जिताने के काम करेंगे, क्योंकि ये ना तो करण मेहरा का सवाल है, ना उपरेती जी का सवाल है, ना जोशी जी का सवाल है, ये सवाल है जनता के सरोकारों से। नहीं, अगर हम एक नहीं होंगे तो इसी तरीके से किसान कुछ ले जाएंगे, इसी तरीके से मजदूर कुछ ले जाएंगे, कल को सबका नंबर आना है। हम 2022 के जो चुनाव 22 के चुनाव में पूरी कांग्रेस संगठित होकर चुनाव लड़ेगी और जो विवाद करेगा, कोई विरोध करेगा, ये समझा जाएगा उसका जनता से और सरोकारों से कोई लेना देना नहीं है। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड press the bell icon, never miss any update. डाउनलोड कीजिए जनतंत्र टीवी ऐप को, जो कि अवेलेबल है गूगल प्ले और ऐप स्टोर पर। अधिक जानकारी के लिए अभी डाउनलोड करें।